नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं शालिनी, आज के मुख्य समाचार में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक हफ्ते में 3 ट्रेनों में पलटाने की साजिश का खुलासा, पाकिस्तानी आतंकी का वीडियो आया सामने, क्या है कानपुर से कनेक्शन। तो शेख हसीना का साथ देना, भारत से बदला ले रहा बांग्लादेश, खास चीज पर लगा दी बैन। कोलकाता की घटना से लेकर पोस्टमार्टम तक सवाल, एससी में क्या क्या हुआ जानिए। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में मथुर की याचिका पर आज विचार करेगा एससी। राम रहीम को बरी करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में 3 बार ट्रेनों को पलटाने की कोशिश की गई। पिछले 23 दिनों में सिर्फ कानपुर के आसपास 3 बार ट्रेनों को डिलेर करने की साजिश रची गई। बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हर रोज नए फैसले ले रही है। यूनुस सरकार हसीना के कई फैसलों को पलट चुकी है। इसी बीच दुर्गा पूजा के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके असर भारत पर पड़ने वाला है। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी मामले में बंगाल सरकार और पुलिस घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई में घटना से लेकर पोस्टमार्टम तक सवाल उठे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का चालान फार्म नहीं होने पर सवाल उठते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर ये दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस संवाद शशि मथुर की याचिका पर विचार करते हुए सहमत हो गया है। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाली उनकी शिवलिंग पर बिच्छू टिप्पणी को लेकर मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एससी शर्मा की पीठ के मामले में एसबीआई राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। इस मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होने की संभावना है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह हत्या केस में दोष मुक्त कर दिया था। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।